हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने अलबेला किचन में। ये देखिए आज अलबेला किचन में क्या क्या बन रहा है। वो आम की सब्जी थी खट्टी मीठी, ये खीर है, ये कद्दू की सब्जी है खट्टी मीठी, और ये देखिए ये है रोशुगुला बंगाली जो बोलते हैं गुलाब जामुन है ये। तो देखिए आज मैंने बहुत सारा खाना बनाया है और मुझे आज के दिन मतलब इतनी खुशी होती है, ये सब काम करते हुए बहुत ही खुशी होती है। ये देखिए लेडीज़ का काम है कि काम तो हमेशा ही करना होता है, लेकिन घर में कोई दिन मतलब ऐसा होता है घर में कि उस दिन मतलब उस दिन का इंतज़ार हम काफ़ी टाइम से करते हैं और बहुत ही खुशी होती है हम लोगों को। तो आज है क्या मैं बताऊंगी आपको बाद में। वीडियो पूरी देखेगा, स्किप मत कीजिएगा, और अगर ये सब आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो देखिए ये पूरी भी बना करके मैंने तैयार कर ली थी, बहुत सारी पूरी बनाई थी। और ये देखिए कितने सारे बच्चे बुलाए हुए हैं मैंने, मतलब हमारे ये जो घर के पास बच्चे रहते हैं उन्हीं को बुलाया है, बच्चों को खाना खिलाने के लिए, लड़कियों को, और कुछ लड़के भी आए हुए हैं। तो छोटे बच्चों को मैंने ज़्यादातर मतलब बुलाया हुआ है। हो सकता है आप लोग समझ भी गए हो अभी कि आज मैं क्या कर रही हूँ, क्या होगा आज, तो कोई बात नहीं, चलिए बताऊँगी आगे। पहले बच्चे खाना खा रहे हैं, इनको खाना खिला देती हूँ, और बच्चे भी बहुत खुश हैं। तो ये देखिए बच्चे खा भी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं एक दूसरे से। तो कोई बोल रहा है हम चॉकलेट खाएंगे, पहले चॉकलेट को देखते हैं मतलब खाना रख दिया है, तो मैं यही कह रही हूँ नहीं भाई पहले खाना खाओ, चॉकलेट बाद में। तो ये देखिए बच्चे कर रहे हैं एंजॉय। आज के दिन मैं हमेशा मतलब बच्चों को लड़कियों को बुलाती हूँ और खाना खिलाती हूँ, और पास में जो भी छोटे बच्चे हैं उनको सबको बुला लेती हूँ, खाना खिलाती हूँ। और किसको तो ये चाहिए? देखिए बच्चों ने अभी खाना खा लिया है। अभी बच्चों ने ना बहुत तकड़ा धमाल मचाया था, वो आपको मैं अभी आगे दिखाऊंगी। बच्चों ने जो किया बड़ा अच्छा डांस किया सब ने, इंजॉय किया खूब, तो और भी बहुत अच्छा लगा। मतलब एक सिंपल सी अगर पार्टी तो मैं इस चीज़ को क्या कहूँ कि हल्का सा ही मतलब एक प्रोग्राम था। ये देखिए आज है मेरे बेटे का जन्मदिन, तो बच्चे आगे छोटे छोटे क्योंकि बड़े बच्चे हो जाते हैं फिर वो बाहर अपने यार दोस्तों के साथ बर्थडे मनाना पसंद करते हैं, तो उसका बर्थडे था इसलिए मैंने ये सब खाना बनाया था और बच्चों को बुलाया था। और बेटा तो बाहर है मतलब वो, ये मेरी बेटी थी जो खाना खिला रही थी, इससे बड़ा मेरा बेटा है वो तो बाहर था, लेकिन फिर भी हमने घर में इस तरह से उसका बर्थडे मनाया था। और ये केक भी बेटी ने ही काटा है बेटा नहीं था यहाँ पे, तो इसलिए हमने सोचा कि जब वो आ जाएगा तो उससे दूसरा केक कटा देंगे, तब तक इन बच्चों को ये केक काट करके खिला देते हैं। और बेटी का नाम मेरी तानिया है, बेटे का नाम ऋतिक है। तो ये देखिए सब बच्चे अच्छे से इंजॉय कर रहे थे, बहुत मतलब एक सिंपल सा प्रोग्राम भी बच्चों की वजह से इतना अच्छा हो गया कि बहुत ही मन लगा। और हाँ थोड़ा सा धमाल सा मतलब मचा, तो मैं भी आराम से बैठ करके बच्चों का डांस देख रही थी। बच्चे ये देखिए छोटा सा कहने छोटा पटाखा और बड़ा धमाका, तो इस छोटे से बच्चे ने भी इतना डांस किया। और ये लड़की देखे इस बिटिया ने तो इतना प्यारा सा डांस किया। तो देखिए मैं भी बैठ करके आराम से देख रही हूँ, सबने अच्छे से खूब डांस किया, मतलब एक सिंपल सा प्रोग्राम इतने अच्छे से उसमें बदल गया। बच्चों ने पूरा एंजॉय किया और हमको भी एंजॉय कराया खूब अच्छे से, तो सब बच्चों ने मिलकर बहुत ही प्यारा प्यारा डांस किया। इस छोटे से बच्चे को देखिए आप कितना अच्छा डांस कर रहा है बहुत ही अच्छा मतलब। और इस दिन का मुझे हमेशा मतलब अपने दोनों बच्चों के जो बर्थडे आते हैं मुझे उसमें इतना अच्छा लगता है, बहुत ही शौक लगता है, जैसा किसी तीज त्यौहार की तरह मनाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ उसी तरह से मैं ये दिन भी सेलिब्रेट करूँ। तो मैं अपने दोनों बच्चों का बर्थडे बहुत अच्छे से मतलब जितनी मेरे से कोशिश होती है मैं उतना करती हूँ। तो इस तरीके से दोनों बच्चों के जन्मदिन पर मैं बच्चों को बुलाती हूँ, खाना वाना खिलाते हैं, और ये देखिए बच्चे धमाल मचा रहे बहुत।